प्रिय भक्तों, आज हम एक कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जिसमें महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मान्यता है कि भक्तों का चरित्र पढ़ने और सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्त के लिए महाकाल की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेत केतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल, मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा, न यह दूत मिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा हुआ है, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतु केतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतु केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेत केतु के सामने चलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेत केतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है, इसे किसने और क्यों जलाया। तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है, इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा
ये ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए।